हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाला तीसरा टेस्ट मैच के बारे में। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाने वाला तीसरा टेस्ट मैच धर्मशाला में नहीं बल्कि इंदौर में खेला जाएगा। बीसीसीआई ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी शेयर की है। मैच की मेज़बानी के लिए फिट होने के लिए बीसीसीआई के निश्चित मापदंड हैं। इस मैदान पर कोई भी प्रतिस्पर्धा मैच नहीं खेला गया है और साथ ही आउटफील्ड भी तैयार नहीं है। भारत ने पहला मैच नागपुर में जीत लिया है और सीरीज का दूसरा मैच 17 फरवरी से दिल्ली में होने वाला है, तो वहीं तीसरा टेस्ट मैच 1 से 5 मार्च के बीच में पहले धर्मशाला में होना था, लेकिन अब वेन्यू को बदल कर इंदौर में कर दिया गया है। दरअसल धर्मशाला में इस समय सर्दी का मौसम है, जिसे वहाँ की पिच हर समय गीला रहती है। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें कि पहला टेस्ट मैच में भारतीय स्पिनरों ने कमाल कर दिया था। भारत ने पहला टेस्ट मैच एक पारी और 132 रन से जीता था, जिसमें अश्विन और जडेजा ने कमाल की गेंदबाजी की और विरोधी टीम के 20 विकेट में से 15 विकेट आपस में बांटे थे। जडेजा ने बैटिंग भी कमाल की किया था, जिसके कारण उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब से नवाजा गया था।